वक्त खत्म। और तू दवान नहीं लाया, अपने बेटे को दोबारा नहीं देखना चाहता क्या? तेरे अकाउंट में 2 करोड़ अभी भी वैसे का वैसा पड़ा है। कोठी का खरीदार मौजूद है, लेकिन तूने कोठी की जगह अपनी बेटी का सौदा कर दिया। तुझे 6 घंटे दिए थे, और बेरहम गैंग के 6 घंटे का मतलब 6 घंटे होता है, न 1 सेकंड ऊपर न नीचे। फिर तुझे अकल ना आई, तू अपना पैसा बचाने के तरीके ढूंढते रहा, अब अपने बेटे को ढूंढते रहना। देर हो गई, अब तेरा पैसा अब किसी काम का नहीं। तेरे बेटे की आखिरी तस्वीर भेजो, देख के रोते रहना। फर्ज करो एक शख्स है और उसके हाथ में गन है या पिस्तौल, और उसने मुझ पर तानी है यहां, तो मुझे क्या करना चाहिए? भागना चाहिए। गुड, भागना चाहिए। अगर महफूज फासले पर हो तब भागना हमेशा से बेस्ट स्ट्रेटजी है, या हाजिर दिमागी से करीब तरीन किसी जगह पर जाकर छुप जाओ। अगर पब्लिक प्लेस में हो तो मदद के लिए आवाज दो, लेकिन अगर हमलावर मेरे सामने है, बिल्कुल मेरे करीब, और उसकी बंदूक मेरे सीने को छू रही है, उसका और कोई मकसद नहीं, वो सिर्फ मुझे मारना चाहता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? भागना नहीं चाहिए। तो वहीं खड़े रहना चाहिए। हिना बिल्कुल सही कह रही है, हमें भागना नहीं चाहिए। हम उस शख्स की जहनी हालत को नहीं जानते। मैं हमेशा कहती हूं लड़ना मना है। बेस्ट स्ट्रेटजी हमेशा यही है कि लड़ा ना जाए, लेकिन अगर फिर भी लड़ने की नौबत आ जाए और सारी स्ट्रेटजी फेल हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? आज हम हमलावर से गन छीनना सीखेंगे। आई नीड अ वॉलंटियर। गुड, कम। तो पिस्तौल छीन लोगी तुम? मैं तो उधर ही बैठ के रोना शुरू हो जाऊंगी। मैं तो भागूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पीठ पे गोली क्यों ना लग जाए, मैं तो भागूंगी। फिर तो कोई चांस बनता है ना? लेट से अगर बेरहम गैंग ने तुम्हें अगवा कर लिया तो क्या करोगे? बेरहम गैंग जो खबरों में आ रहा है? मुझे तो ये सारी कहानी अफवाह लग रही है, ये कैसे हो सकता है? ये सच है, मेरी दूर की कजन के साथ हुआ है। उन्होंने पैसे भी अरेंज कर लिए थे, बस 3 मिनट लेट थे। खत्म।
उन्होंने इंतजार नहीं किया। झूठ बोल रही है, इतनी देर इंतजार करके थोड़ा सा और नहीं कर सकते थे? स्टाइल है उनका, अपना नाम ऐसे ही नहीं रखा, बहुत बेरहम है। अरे भाई इतना भी ना डराओ, मैं अकेली घर आती जाती हूँ। आओ हिना से पूछते। हिना फर्ज करो, अगर तुम्हें बेरहम गैंग ने अगवा कर लिया तो क्या करोगी? मैं ना गन छीन लूंगी और सब कुछ शूट कर दूंगी। हेलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी मैं सोच रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, एक मिनट, देखो तुम शफीक को बता दो कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन कोई मसला नहीं होना चाहिए। आ जाओ जल्दी करो बेटा। बैठो। ये क्या, अपनी गाड़ी कहाँ गई? ये भी अपनी गाड़ी? मैं अपनी SUV की बात कर रही हूँ पापा। बेच डाली। अपने मामा की गाड़ी बेच दी? बिजनेस थोड़ा अपसेट था बेटा, बेचना पड़ी। सेटल होंगे तो दो दो SUV ले दूंगा। कब होगा? अच्छा भला नाना ने चलता हुआ शोरूम आपको दिया था, सब मना करते रहे पर मामू की बातों में आके आपने वो बेच दिया, और शोरूम बेच के सारे पैसे पता नहीं किसकी में झोंक दिए। तब से अपना घर बेच के और नाना का घर बेच के हम किराए के घर में आ गए, अपनी गाड़ी बेच के मामा की गाड़ी में आए और अब वो भी बेच दी। एक मिनट, अब तुम भी अपनी माँ और नाने की तरह मुझे अपने एहसान याद दिलाओगी? एहसान नहीं याद दिला रही आपको, हकीकत बता रही हूँ। अब तो नाना भी नहीं रहे हमें बचाने के लिए, कुछ तो सोचे पापा, कारोबार में नुकसान हो गया तो हो गया, मूव ऑन करें, सब कुछ उसी में झोंक देने से हम सब सड़कों पर आ जाएंगे। अगर तुम्हारी माँ मेरी बात मान लेती ना तो आज हम इस हाल में ना पहुंचे होते। अगर वो बात मान लेती तो हम कहीं के ना रहते, पहले इतनी मुश्किलों से दुकानों के किराए से सारा घर चला रही है, अगर वो भी बेच दे तो मुझे तो लगता है आप जिस तरह बड़े बड़े हर चीज की नीलामी करें एक दिन मुझे भी बेच देंगे। इस जुबान को लगाम दो, माँ की तरह चलती चलती चली जा रही है, जिसका दिल चाहे वो अपना लेक्चर दिया जा रहा है। तुम्हारा बाप मैं हूं, तुम मेरी बाप नहीं हो। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। बताओ। मर्दों के मामले में ना आपकी किस्मत बहुत खराब है। क्यों? अल्लाह बख्शे बड़े साहब को, सारी जिंदगी उनका नमक खाया पर थे बड़े जालम मिजाज, नोट गिनते गिनते कब्र में उतर गए और जाते जाते अपनी धी का सौदा करके उस निकम्मे जमाल साहब के साथ। आपको पता है ना कि मैं सीधा सीधा बोल देती हूँ। हाँ मुझे पता है, तो मेरी खराब किस्मत के पीछे मेरे अब्बा और शोहर का हाथ है। और आपका पाई राशिद वड्डा खान, तोबा तोबा, बड़े साहब से भी ना दो हाथ आगे है। मासूमों की जमीनों पे कब्जा करके खाने का क्या ज्यादा मजा आता है? कोई हक हलाल का काम नहीं कर सकता? मुझसे क्या गिला कर रही हो? मेरा कौन सा सगा है? अब्बा ने एक ही प्लॉट मेरे नाम किया था,
उसके पीछे भी पड़ा है। मुझे तो फिक्र लगी रहती है अपने शफी और काशी की, दोनों ही उसके आले दवाले लगे रहते हैं, सारी सारी रात घर नहीं आते, उसके डंडे पर बदमाश बने फिरते हैं। बड़ा वाला तो खैर पहले से ही बदमाश है ना, तो काशी को भी साथ दबोच लिया। खान साहब ने बड़े वाले को पिछले महीने कब्जे पर बिठाया, अगले भी तगड़े थे, ले गए उठाकर, दो रात हवालात में रखा और चंगी छतरोल की, सारी कंड नीलो नील हो गई। मैंने खुद जाके खान साहब के तरले किए, तब जाके छोड़ा, पर अगली सुबह फिर लेके काशी को सुबह बार, मैंने भी बोल दिया कि खान किसी दिन गंदा फंसाएगा, फिर मैं नहीं आऊंगी, बड़ा वाला तो जाए ना जो मर्जी करे, पर मेरा काशी काक है, मासूम है अंदर से, बहुत परेशान रहती हूं मैं उसके लिए। हिना बीबी नहीं आई, कब आएगी? आने वाली होगी। वालेकुम अस्सलाम। पापा आए लेने? जी पापा आए थे। अंदर नहीं आए? अच्छा है नहीं आए, पहले ही बहुत गुस्से में थे। गुस्से में ही रहते हैं हर वक्त। क्या हुआ, आप रो रही थी? नहीं कुछ नहीं बेटा। हिना पुत्री आ गई। अस्सलाम वालेकुम आसो। वालेकुम सलाम, खुश रहे। मैं खाना लेकर आती हूँ। अच्छा कैसे कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं आप? करना पड़ता है बेटा। कभी कभी मैं सोचती हूँ आप और पापा को अलग हो जाना चाहिए। क्या बोल रही हो बेटा, आइंदा ऐसा सोचना भी ना, मैं ये जुल्म तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। मेरी एक फ्रेंड है जिसके पेरेंट्स डिवोर्स्ड हैं, अपनी अम्मी के साथ रहती है और वो बिल्कुल ठीक है। हिना बस प्लीज, मैं कोर्ट में जाकर कहूंगी मैंने आपके साथ रहने, पर मामा मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। भाई मेरी बात समझने की कोशिश करो, ऐसे स्कीम में फंसे में थोड़ा और वक्त चाहिए। पर मेरा मसला तो है, कहां से लाऊंगा मैं? 2 महीने? अच्छा 1 महीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठे। जी जमाल साहब। अजमत भाई क्या बना, कब तक खुलेंगी फाइलें? यार एक तो भाई मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जब केस खुलेगा तारीख लगेगी तब ही पता चलेगा ना। ये तारीख कब लगेगी? तारीख कब लगेगी यार, मुझ में क्या देखा है, मैं नजूमी हूँ या मेरी उंगलियों में 10 रंग की अंगूठियाँ हैं? जब होगा तो बुला लेंगे। मेरे पैसे मुझे वापस मिल सकते हैं? कौन से पैसे? वही पैसे जो मैंने इस जमीन पर लगाए थे। उनकी जमीन खरीद ली, अब वो सोना उगलती है या खाक, ये तुम्हारी किस्मत है। हाँ अलबत्ता अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है तो मुझे बेच दो, 5 लाख में आजकल यही कीमत है। 5 लाख? पर
रिस्मत भाई, ये तो बहुत कम है। जमाल भाई, ये धंधा ही ऐसा है, और तुम तो पुराने खिलाड़ी हो, सब समझते हो। असमत भाई, कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं? ये पीछे पढ़ें क्या लिखा हुआ है। अख्तर ने चाय भी नहीं पूछी, मैं बोल देता हूं, चाय पी के जाना है। रजाना, देखना जरा बाहर कौन आया है। अभी देखती। पता नहीं कौन घंटी से हाथ उठाना ही भूल गया है। बेगम साहब, बेगम साहब, बेगम साहब, क्या हुआ? बाहर कोई बंदा कह रहा है कि हीना बीबी को कोई गाड़ी में उठा के ले गया। क्या? अब मेरे साथ आए। चलो मेरे साथ, चलो। कौन था? ये था वो आदमी? मैं नहीं था जी, मैं तो उस साइड से आ रहा था। आपके घर से एक बच्ची निकली और उस तरफ को गई है, तो सफेद कैरी डब्बे में से दो लोग निकले और उसको अपने साथ डालकर ले गए। कौन लोग थे वो? मेरी बच्ची को कोई क्यों लेके जाएगा? आप बताइए गाड़ी का नंबर प्लेट क्या था? नहीं, नंबर नहीं देख सका था मैं। फरजाना जी, तो जी ये अगवा का केस लगता है। अगवा का केस? फरजाना, हिना, हिना, अंदर तो चले ना। नहीं, मैं क्या करूंगी अंदर जाके, मैं क्या करूंगी अंदर जाके, हिना भी चलेगी मेरी बच्ची। आप अंदर तो चले ना, कुछ करते हैं ना, आप अंदर चले, अंदर। हिना, कौन ले गया मेरी बच्ची को यार? सर, आप पूछना तो करें। आ जाएगी, सकता है उसने किसी और को देखा हो। और किसको देखा होगा? और किसको देखा? मैं क्या करूं? मैं पुलिस को फोन करती हूँ। मैंने अंबर के घर तो पता कर ली, हो सकता है वहीं पर हो। पुलिस को फोन करती हूँ। सर, आप ना बात करें, मैं खुद करती हूँ। क्यों ना करूं मैं बात? बेगम सर, ऐसी बात बाहर निकल जाए ना तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। नहीं, मैं बात करती हूँ, आप ना करें। जी, मैं फरजाना बोल रही हूँ, जमाल साहब के घर से। हीना बीबी आपके घर आई अंबर बीबी को मिलने के वास्ते? नहीं जी, जी सब खैरियत। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। सर, पुलिस को फोन ना करें। हिना बीबी अगवा हुई है, अगवा बराए तावान हुआ, मुश्किल में पड़ जाएंगी। तो क्या करूं? हाथ में हाथ धरे बैठी रहूं मैं क्या? अब जमाल साहब को फोन करें, उन्हें बुलाएं। Yeah.
क्या हुआ? हिना कहाँ है? जमाल कहाँ रह गई थी? आपको हिना को कोई उठा के ले गया? उठा के ले गया? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? साहब जी, अगवा। अगवा? कैसे, कहाँ से? अरे यहीं कहीं फोन किया तुमने से? कॉल की थी, वो ना वो अंबर देखने जा रही थी कि कोई उसे उठा के ले गया। तो तुम कहाँ थी? एक बच्ची की जिम्मेदारी तुम्हें थी, वो भी नहीं संभाली जाती तुमसे? तुमने बाहर जाने क्यों दिया उसे? रोज जाती है बाहर, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें कुछ पता होता भी है आलिया? मेरी बच्ची को ले गए वो, उसको अंबर से पता करो, करो करो। कॉल की थी, वहां नहीं है। तुमने सिर्फ कॉल की, जाकर पता नहीं किया? मेरे पीछे क्यों पड़े? मैं क्या कर सकती हूँ? साहब जी, बेगम साहब पहले ही बहुत परेशान है, मैं खुद जाके देखती हूँ जी, मैं देखती हूँ। कुछ नहीं, हेलो। कॉल स्पीकर पर डाल, अपने शोर से बात करा। कौन है? पता नहीं, आपसे बात करना चाहता है। हेलो, जमाल तेरी बेटी मेरे पास। कौन बोल? सब सवालों का जवाब मिल जाएगा, एक ही बार बोलूंगा, इसलिए कान खोल के सुन। तेरी बेटी मेरे पास, अगर जिंदा सलामत चाहते हो तो 2 करोड़ रुपए का बंदोबस्त कर। तेरे पास 6 घंटे हैं, घड़ी पे वक्त देख, 3 बजे हैं, 9 बजे तक मेरी डिमांड पूरी ना हुई, एक पैसा कम या एक सेकंड भी देर हुई या कोई खेल खेलने की कोशिश की तो अपनी हिना को फना समझ। 2 करोड़ 6 घंटे। 2 करोड़ और 6 घंटे? अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बात करे तुम्हें, तुम क्या समझते हो? तुम मुझे ब्लैकमेल कर लोगे? सोचता हूँ मत, बेटी को चुपचाप मेरे हवाले कर दो, नहीं तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा कि तुम याद रखोगे। नहीं जमाल, तू मुझे नहीं जानता, और अब वक्त आ गया है कि हमारा तारुफ हो ही जाए। शाकिर, शाकिर नाम है मेरा, बेरहम गैंग का बाप। जाकर कोई भी अखबार उठाकर देख ले, जान जाएगा मुझे मैं कौन। पुलिस पुलिस खेलना है तो वो भी शौक पूरा कर ले, मिलेगा कुछ नहीं, बस तेरा वक्त और बेटी दोनों जाया हो जाएंगे। अरे मेरी बात सुनो, देखो, हेलो बेरहम गैंग कौन है? पता नहीं क्या करेंगे हिना के साथ, हमारी बेटी के साथ क्या करेंगे? बेरहम गैंग कौन है जमाल? पूरा शहर उनके खौफ से कांपता है और तुम पूछ रहे हो कि बेरहम गैंग कौन है? क्यों डरता है? इसलिए कि वो किसी पर रहम नहीं करते। मेरी बेटी, हमारी बच्ची का क्या होगा? 2 करोड़, हम 2 करोड़ कहाँ से लेकर आएंगे? हिना को पता नहीं क्या करेंगे वो, लेकिन कुछ कुछ सेविंग है हमारे पास, हम कुछ कर सकते हैं। कुछ अब्बा छोड़ के गई है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, है ना जवान? कुछ बोले ना, कुछ बोलते क्यों नहीं है? पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। नहीं, पुलिस को नहीं कहना, वो सुना नहीं था वो क्या कह रहे थे? वो छोड़ेंगे नहीं हिना को, अगर हमने पुलिस को बता दिया तो। ये भी तो हो सकता है कि वो बेरहम गैंग का नाम सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हो, हकीकत कुछ और। लेकिन नहीं, तुम जो कह रही हो वो भी हो सकता है, वो अगर हमने पुलिस को इन्वॉल्व किया तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। क्या? कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं अकेले? तो क्या करें? किसी की मदद हमें लेनी। अरे नहीं, पुलिस के बारे में सोचना भी मत, आलिया हमारी बच्ची को खतरा हो सकता है। अरे नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म किया तो गड़बड़ हो जाएगी। एक सेकंड, किसको कर रही हो? जी नवान भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं आलिया बात कर रही हूँ। नहीं नुमान भाई, खैरियत बिल्कुल नहीं है, आप कहाँ पर हैं? नहीं मुझे नहीं पता, फौरन घर पहुंचे, हम आपका इंतजार करें, मैं और जमाल आपका इंतजार करें, हम फौरन पहुंचे, इमरजेंसी है। हाँ अभी आए, और सुने किसी को बताइएगा नहीं, प्लीज जल्दी आएगा। अल्लाह हाफिज़। तुमने नुमान को बता दिया? तो ये आपके जानने वाले हैं, आप भी कहते भेदवार कर सकते हैं, और अब्बा भी इनसे ही रब्ता करते थे अपने कानूनी मामलों में। सॉरी, जिंदगी मेरा भी एतबार करना चाहिए था, कभी जिंदगी में मेरा एतबार नहीं किया। यू नो व्हाट, तुम्हारी इस हरकत से अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेगम साहब, बेगम साहब, हिना बेबी नहीं है वहां पर।
अच्छा किया जो पुलिस को नहीं बुलाया। पुलिस को इन्वॉल्व करते तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता। कैसे अच्छा नहीं हुआ नुमान भाई? मेरा बेरहम गैंग से पाला पड़ चुका है। ये लोग आम लोगों की तरह के मुजरिम नहीं है, जानवर हैं। जानवर हमेशा 6 घंटे देते हैं और उसमें अपनी रखी हुई शर्त से कभी नहीं हटते और ना ही अपने दिए हुए वक्त से एक लम्हा भी ज्यादा देते हैं। पैसों के भूखे नहीं हैं, इसलिए तो कामयाब है। और बगवी? कोई सुराग नहीं मिलता। तस्वीरों में से 4 या 5 की लाशें मिली होंगी, वो भी महीनों बाद। हाय अल्लाह, मेरी बच्ची है ना। अरे भाभी संभालें अपने आप को, सब बुरी खबर नहीं है। बेरहम गैंग का जेन्युइन कोई केस इतने अरसे में मंजरे आम पे नहीं आया। कुछ लोगों का कहना है कि शाकिर मर चुका है, कहीं छोटे मोटे मुजरिम और गिरोह उनके नाम को इस्तेमाल करके पैसा बटोर रहे हैं, जबकि उनमें वो सब वो खासा और उस तरह की दरिंदगी कहाँ। बेरहम गैंग तो अपने टारगेट की पूरी तरह तहकीक करने के बाद बंदा उठाता है, यहाँ तक कि तमान मिलने तक मगवी की फैमिली पर नजर रखते थे और उन 6 घंटों में उनको अंदाज़ा हो जाता था कि यहाँ से हमें तवान मिलने जा रहा है या हमारे साथ कुछ चक्कर चलाया जा रहा है। किडनैपर्स की अगली कॉल अगर मैं एक दफ़ा सुन लूँ तो शायद मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वही हैं या उनके भेस में कोई अनाड़ी या फिर कोई अपना ही है चाल चलने वाला। कोई अपना? हाँ भाभी, अगवा के केस में अक्सर इस तरह से होता है कि कोई अंदर का बंदा या कोई अपना बंदा बीच में शामिल होता है। वो मैं चूल्हे पे चाय रख कर आई थी, अभी लेकर आती हूँ। सुने, शक्कर 1 चम्मच, भाभी ये वही औरत नहीं है जो हाजी साहब के घर में काम करती थी? जी जी, ये बचपन से मेरे साथ है, काफी अरसा हो गया इसको। इस पे इत्वार है आपको? हाँ हाँ, फरजाना ऐसी नहीं है, वो हिना को अपनी बेटियों की तरह समझती है, वो नहीं है ऐसी। एक मिनट, उठाओ कॉल, मैं सुनना चाह रहा हूं कि बेरहम गैंग की आवाज है कि नहीं, उठाओ। हेलो, 8 घंटे बचे हैं, तो इंतजाम करो वरना बेटी नहीं बचेगी तेरी। देखो मैं इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी अरेंज नहीं होगी, तावान कुछ कम कर दो। बेरहम को बेखबर समझते ही गलती ना करना, हमें सब खबर है। तेरे बैंक में पड़े 12 लाख 12 लाख और कम से कम 3 करोड़ का प्लाजा कहता है कि तावान और ज्यादा होना चाहिए। प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी, और जहाँ तक प्लाजा की बात है तो वो मेरा नहीं है, वैसे भी 5 घंटे में इतनी जल्दी प्लाजा कैसे बिकेगा? तो 1 घंटा जाया करने के बजाय कहाँ ढूंढता। याद रखना, वक्त पर मेरी डिमांड पूरी ना हुई तो तेरी बेटी के दिन पूरे हो जाएंगे। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, देखो हमारी बेटी है ना, किस हाल में कैसी है, हमारे दिल के इत्मीनान के लिए उसकी आवाज तो सुन। सिर्फ आवाज नहीं, तस्वीर भी आएगी। और हाँ, मैंने कहा था पुलिस बस टाइम जाया करेगी। नहीं नहीं, हमने पुलिस वालों को इत्तला नहीं दी। ठीक है, तेरी मर्जी, मैं तो तेरे फायदे की बात कर रहा था। ये वर्दी वाले सिर्फ टोपी पहनाना जानते हैं, इंस्पेक्टर की बातों में लगा रहा तो सब कुछ खो दोगे। तेरी जगह मैं होता तो उसे कपकाल विदा के चुका होता। वो हमें देख सकते हैं? हो सकता है कि शायद उनके बंदों ने मुझे यहाँ पे आते हुए देख लिया। इसका मतलब है कि ये वाकई बेरहम गैंग से हैं।
ये फोन आपका है? जी। उसने तुम्हारे नंबर पर कॉल क्यों नहीं की? मुझे क्या पता? कहना क्या चाहते? मेरे ख्याल में तुम्हारी बेटी को बेरहम गैंग वालों ने किडनैप किया। हिना को बचाना है तो आपको उनकी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। मेरी बच्ची है। अब मैं तुम लोगों की ज्यादा मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया कि मैं यहाँ पे हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे रुका तो तुम लोगों के लिए बड़े से मसाइल इकट्ठे हो सकते हैं। जमाल, तुम जरा बाहर मेरे साथ चलो। इसे तो चुप कराओ। आए मेरी बच्ची। बेगम सर, थोड़ा हौसला करें। अल्लाह रहम करेगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए पानी ला। नहीं, फुजाना रहने दो। पता नहीं हिना ने पानी पिया होगा कि नहीं पिया होगा। पिया होगा, खाया पिया होगा। बहुत बहादुर बच्ची है। आप बस हौसला करो, ठीक हो जाएगा सब। कैसे रोजाना कैसे करूं हौसला? मम्मा, पापा, मैं खैरियत से हूँ। बेरहम गैंग मेरा बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं, रहम कर रहे हैं। लेकिन अगर इन्हें 9 बजे तक 2 करोड़ रुपए ना मिले तो ये रहम की पॉलिसी खत्म हो जाएगी। अगर इन्हें 2 करोड़ रुपए ना मिले तो ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। इसलिए खुदा हाफिज। बेगम साहब, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? शाकिर के बंदे यही होंगे, उन्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पे हूँ? तुमने खुद ही तो कहा था कि वो अपने टारगेट पे नजर रखते हैं। हाँ कहा था, और अपनी बात पर कायम हूँ। वो बेरहम गैंग हो सकता है, 100% नहीं हूँ पर मैं इस बात पर। कौन हो सकता है? पता नहीं, ज़ाहिर तो सब कुछ ठीक है लेकिन इत्मीनान नहीं है दिल को। छठी हिस नहीं मान रही कि घर के किसी मेंबर के बगैर इस तरह की कार्रवाई करना बहुत मुश्किल है। तो अगवा के पीछे बेरहम गैंग नहीं है? मैं कह रहा हूं पैसे इकट्ठे करो भाई, बेटी का मामला है। बेटियां तो बाप के दिल के बहुत करीब होती हैं, और तुम कोई रिस्क भी नहीं ले सकते।
کیونکہ میں کرین ہوں۔